बैठे मेरे माता भागो दे वारस माइया भैणा ते किसान वीर और मीडिया भाईचारा दा मैं धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला वख वख सारे बुलारे बोल के गए आ, क्योंकि पहला एक प्यारा बोलिया सीगा गुरु तेग बहादुर साहब का, उन्होंने तुहाडे अगे इतिहास रखिया सीगा। जदों भी कोई हकूमत आउंदी आ, जे औरंगजेब आया सीगा भराओ मुसलमान नहीं सीगा, वो एक तुरक सीगा, एक अपने सिंघां दा बोला हुंदा सी कि उन्हां दे नाल जदों जंग चलदा कि कहिंदे सी भाई तुरकां दे नाल लड़ाई साडी। वो तुरक किवें सीगा कि पहला उन्हें आपदे प्यो नूं मारिया, भरा मार ले, परिवार मारिया, ते फिर उन्हें इस दिल्ली दे संघासन ते राज कीता, ते फिर उन्हूं आपां मुसलमान भाईचारा ते कह नहीं सकते क्योंकि वह तुरक सीगा। और उस टाइम ते भी मैं कहूँगा कि जो हिंदू राज दी हकूमत सी जां वो धर्म सीगा उन्हूं एक दा ते ला दिता सी। उदों भी उहदा इह निशाना सीगा कि मैं ये मजहब एक करना, पर जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी होनी वो इत्थे दिल्ली दे विच आए तो उदों एक वड्डी शरत सीगी। शरत यह सीगी कि कोई पीर पकंबर वो ये शरत मान लवे वो मुसलमान हो जावे तो मुसलमान बना दिते जाणगे, ते जे वो इस गल ते अड़ जावे तो फिर उहदी शहीदी ते लाजमी होगी। पर गुरु तेग बहादुर साहब ने आनंदपुर तो सद्दा भेज दिता सी, रस्ते दे विच आण के उन्होंने दो सिख वापस भेज दिते, पता सीगा कि शहीदी देनी आ, ते उन्हां नूं पंज पैसे ते नारियल दे के जदों वापस भेजिया ते भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला उन्हां दी गल रखी आ इत्थे आए। गल आ कि उदों भी ये हुक्म सी साडे गुरु साहब का कि भाणे दे विच रहना, सबर दे विच रहना। भाई मतीदास जी होना कोले कोई छोटी मोटी ताकत नहीं सी, घट नहीं सी किसे नालों, पर उन्हां दा हुक्म सी ते उस भाणे दे विच रह के वह दिल्ली दी इट ना इट खड़का सकदे सी। ते अखीर जदों कचहरी दे विच पुज्जे, मैं गल नेड़े लाऊंगा, ते औरंगजेब ने कहा चाहे शहीदी वाले पासे चले जाओ ते चाहे ये आ कि धर्म जेड़ा वा एक रहेगा। पर उस टाइम तो उन्हें कहा कि सवा मन कालियां मिर्चा लियाओ, वो लियाण के तेल पा के जदों अग ला दित्ती ते छाणनी मारी, ते छाणनी जदों मारी ते सवा दे विचों तीन कालियां मिर्चा निकलियां। उन्हें कहा औरंगजेब तू तो दो धर्मां नूं एक करना चाहुंदा, इत्थे खालसा भी आउणा, खालसा तैयार होएगा। वो निशाना वो मुढ बन गए सी, पर उदों भी ये बादशाही चाहुंदी सी कि धर्म दा रजिस्ट्रेशन कर दईए। हुण भी जिवें सरदार भगत सिंह होणा दे टाइम ते अंग्रेज सरकार दा राज सी, उदों भी जिहड़े अपने देश दे रखवाले सी उन्हां अंग्रेज दे देश हवाले कर दिता सी। पर इस टाइम ते भराओ मोदी सरकार ने जिन्नू पहरेदार बनाया सी राखी करन वास्ते देश दी, उन्ने दस्तखत जिहड़े आ देश दी गुलामी ते कर दित्ते। वो कानून नहीं गए, वो देश दी गुलामी दे दस्तखत जिहड़े हो चुके, वो दस्तखत जिहड़े आ कि पहला जिहड़ा पड़ा सीगा वो किसानां दे धावा मारिया कि मंडीकरण जिहड़ा खुला कर दिओ,
प्राइवेट ही व्यापारी आऊगा, सरकार ने जिहड़े पैर पिछे खिंच ले, वख-वख तरह जिहड़ा बुलारे बोल के कहा कि कोई अदारा नहीं छड्डिया। तो जदों उहड़ियां फसलां वा मेहनत दे मुल तों थल्ले चले जाणगियां, जे 2000 दी बनदी ते 1000 नूं विकूगी, उहदे नाल इक पड़ा रख दिता कि जिहड़ा बिजली दा एक्ट आ ये सारे अपने पूरे भारत के सूबे जिहड़े आ ये मालक सी बिजली दे, उन्हां दे दस्तखत करके अडानियां बानियां नूं दे दित्ते आ कि वह सामराज जिहड़ा वा ये बिजली उत्पादक जिहड़ी भावें सूबियां च हुंदी ते भावें जनतक लोग वरतदे आ इहदा मालक सामराज होऊगा। और वो मनचाया जिहड़ा जदों बिल लाऊगा मोटरां नूं कनैक्शनां नूं जो भी ट्यूबवैलां नूं जनतक लोगों दुकानदारां नूं, तो जदों लक टुट गया तो उत्थे फिर तीसरा पड़ाव आऊगा कि जे तुहाडे तो खेती दे विच कोई लाहेवंद नहीं तुहानूं पैसा बचदा, जे तुसीं थल्ले जाण डे जे तो जमीना सानूं ठेके दे दे दिओ। जदों जमीना ठेके वाल नूं गईआं तो साढ़े 70% भरा जिहड़े आ उन्हां नूं कानून का पता ही नहीं गा, दस्तखत कित्थे कित्थे करवाई जांदे आ। उदों भराओ दस्तखत होणगे कि 25 तों 30 साल तक जमीन नहीं अहीं छड्डांगे, और उहदे विच जे मजदूरी करनी आ ते तुसीं कर लिओ तुहानूं मजदूरी भी मिल जाऊगी। उस तों बाद उहदे विच स्प्रे करनी, साढ़े हवाई जहाज करन, साडियां करपाइनां जिहड़ियां तैयार होणगियां बोरी तुल के विचों आऊगी, मजदूरी की लोड़ कोई नहीं, मजदूर भी वेला हो जाऊगा। और जेड़ा उत्थे कोई फसल उत्पादक हुंदी आ, जे कपाह चाहे कोई नरमा जेड़ा तैयार हुंदा, उत्थे फैक्ट्रियां जिहड़ियां वा उह कपड़े वालियां लगणगियां, उडानियां बानियां दियां लगणगियां, जिथे कोई सब्जी दे स्टोर आ, जिथे कोई जिस तरह महाराष्ट्र वर्गे देश आ गंढे जां इस तरह करके, उत्थे जिहड़े भी गोदाम उडानियां बानियां दे बणनगे, उदों अगे शहरां कस्बियां दे विच उन्हां दे मौल आ जाणगे। ते जिहड़े अपने दुकानदार भरा वा भावें किसी कपड़े की दुकान आ, भावें किसी की सौदे की दुकान आ, ते भावें किसी की सब्जी की दुकान आ, वो सारे का सारा जिन्ना भी लेखा जोखा वो मुल्लां दे विच चले जाऊ ते उन्हां नूं अधिकार नहीं होगा कि तुसीं दुकान खोल के आपदा रोजी रोटी आपदे परिवार का गुजारा कर सको। वो लोग एक टिपन लैके तो मोड़ां ते आ जाणगे ते दिहाड़ी नूं तरसदे फिरिया करनगे, ते वह भी कहणगे भी तुहाडा कम ठीक ठाक नहीं गा, तुसीं ये कम नहीं कर सकते, साडे कोले बंदे हैगे आ। ये भराओ दस्तखत करके इस वेले हिंदुस्तान नूं गुलाम कर दिता वा। मैं पंजाबी दे विच तुहाडे नाल गल रखदा कि मोटी मोटी गल रख रहा कि इस वेले जिस तरह अंग्रेज सरकार ने हिंदुस्तान नूं गुलाम कर दिता सी, ते इदां ही इस टाइम ते मोदी सरकार जिहड़ी देश की रखवाली करन वाली उन्हें गुलाम कर दिता। आ भैण भी दस के गई, पिछे बुलारे भी दस के गया कि ट्रेना जिहड़ियां वह भी तो मोदी सरकार दियां, हुण उन्हां वेखणा भी किन्ना किराया लैणा जनतक लोकां तों। हस्पताल जिहड़े आ वह भी प्राइवेट हो गए, बिजली अदारे उन्हां दे विच चले गए, सारा अदारा उन्हां कोले चला गया। ते फिर भराओ जदों राखी नहीं करदे ते देश नूं वापस मिलवाउणा ते बड़ा औखा, लगभग पूरे 8 महीने हो गए आ पंजाब तों इह जंग छिड़ी कानूनां दी, और कट्ठे हुंदे हुंदे उत्थे 30 हो गए, 30 तों 32, 32 तों हरियाणा, हरियाणे नाल राबता होया, पूरे भारत नाल इक जुड़ता होई। ते अज उत्थे मुसलमान भरा भी बैठा, उत्थे ईसाई भरा भी बैठा, उत्थे हिंदू भरा भी बैठा, ते उत्थे सिख भरा भी बैठा वा। ते जिथे एकजुटता होवे ते उत्थे भला बाबे नानक दा आवास क्यों ना होवे। नानक दा आवास उत्थे ही हुंदा वा जिथे एकजुटता, दूजी जगह दे विच इहो जिहा कोई लेखा जोखा आ नहीं सकदा। भराओ भावें आपां गुरद्वारे भावें मंदरां च चले जाइए, जे नीति माड़ी होई तो फिर उत्थे कोई इहो जिहा आवास नहीं हो सकदा। तुसीं भराओ जदों भी मैं इत्थे 81 दिन तो वहना वा, बड़ी तुसीं इत्थे मुश्किलां झल्लियां, वख-वख तरह के इत्थे अदारे आए विच्चों निकलदे गए, पर तुसीं जिस तरह छाणनी दे विच छाणना वज के एक चीज़ वक्री हुंदी जांदी आ, पर तुसीं
आपकी दृढ़ ते रहे जे ते आपां तुसीं विश्वास रखियो कि जिहड़े आपणे आगू साहिबान बहुत ढंग तरीके नाल चलदे आ। कुछ लोग दस भी लोग इहो जिहे वी हैगे आ जिहड़े सानूं रात नूं ग्रुपां दे विच गालां वी कढ़दे आ और गलत गलत मैसेज भी पाउंदे आ। असीं उहनां दी वी गल जिहड़ी सहारदे आ कि साडे कोले अज कोई भराओ जवाब नहीं हैगा, जदों कोई इधरले पासों लेखा जोखा बणूगा फिर तुहाडे कोलों जवाब जिहड़ा तुहाडे गल ही रखेगा रखांगे। इत्थे एक ही जवाब आ, जिस तरह आपां दृढ़ना दिन तो दिन आपां कामयाब हुंदे जांदे आ ते आपां जरूर जितांगे। जे आपां इत्थों थोड़ी जी ढिल वरती ते फिर एक ही आ वी आगू आपदी कुरबानी दे लैण सट्टां लवा लैण, इत्थों खेड़ा वज जावे तां भावें वापस नूं वापस जाण नहीं तो नहीं जाणगे। मैनूं यकीन आ कि तुसीं सब जरनैल लोग जे सारा भाईचारा अपना भारत का कट्ठा होया आपां जित के जावांगे। इत्थे ही फतेह बुलाउने, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।